हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अमर बैच में। तो आज का हमारा जो अमर बैच है वो हमारा एपिसोड 07 है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो सेक्शन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, आज हम वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में 100% चांस बनता है कि यही क्वेश्चन आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। और आपको ये NCERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आप लोग को कुछ समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहेंगे कि आप आराम से इस वीडियो को देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, ठीक है। जो प्रीमियर लाइव चल रहा है, आप इस लाइव प्रीमियर लाइव में रेगुलर आइए, आपको बहुत इससे प्रॉफिट होने वाला है। हमने आज जो एपिसोड 07 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको हम लोग आज एंड करने वाले, यानी ख़त्म होने वाला है। अगला सेक्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, चार सेक्शन में कौन सा हम चैप्टर स्टार्ट करें। कल से वही चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट एंड रिवीजन। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स बाई रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इजकल टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोग को कभी भी कहीं भी एग्जाम में पूछे, टेस्ट में पूछे, आप लोग मतलब फट से बना देंगे। तो क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, या कोई आपके दोस्त ही या क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अक्सर पूछते रहते हैं कि ये बनाओ, तो आप लोग बना भी सकते हैं। या आप कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में ये क्वेश्चन देंगे तो उन लोग मतलब 100 बच्चे में से 90 बच्चे से नहीं बनेगा, 10 ही बच्चे बना पाते हैं ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वही लोग बनाते हैं। तो आपको यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, शायद आप लोग बना भी सकते हैं। तो आप यदि बना सकते हैं तो आप मेरे से बनाते हुए मेरे साथ हैं, चलिए आगे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे नहीं बनेगा आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक बार फिर से इसको हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको हम LHS से लेकर चलते हैं, ठीक है। हम LHS से लेकर चलते हैं। LHS में क्या है, LHS में आपका है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स बाई रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे आगे बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेन इनवर्स ज्यों का त्यों हमने लिखा, ऊपर में रूट वन प्लस एक्स को हमने ज्यों का त्यों लिखा, माइनस रूट वन माइनस एक्स को भी हमने ज्यों का त्यों लिखा, नीचे में रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स है। अब इसको आगे बढ़ाना है, हम कैसे करेंगे, तो इसको हम रेशनलाइज यानी परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने का मतलब होता है, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट वन माइनस एक्स बाटा रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स, ओके। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो रूट वन प्लस एक्स है तो इसको भी साइन चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होता है जो कि हमने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, देखिए क्या, टेन इनवर्स ज्यों का त्यों,
ऊपर में रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स है, और यहाँ पर भी रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स है, यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी। जब ऐसा रहता है तो आपको हम रफ में बता देते हैं कि जब ए माइनस बी ऐसा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, रूट वन प्लस एक्स माइनस, इसको कोष्ट में कर लो, रूट वन माइनस एक्स इस टोटल का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब बाटा, और नीचे देखो रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, यानी ए गो ए इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया, ए बी, ए माइनस बी हो गया। ए गो प्लस में है, ए गो माइनस में है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए का मान है रूट वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया। माइनस बी का मान है रूट वन माइनस एक्स, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ तक जिनको समझ में आ गया, समझिए कि आगे भी आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए टैन इनवर्स, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। तो ए का मान क्या है, रूट वन प्लस एक्स, तो रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब माइनस टू ए बी होता है, तो ए का मान है रूट वन प्लस एक्स इन टू बी का मान है रूट वन माइनस एक्स। अब बाटा, इसको रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस, ये भी रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा टेन इनवर्स, यहाँ भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हो गया वन प्लस एक्स प्लस, यहाँ भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस टू का टू रूट अंदर, इसको गुना कर देंगे तो एक एक से गुना करेंगे तो एक माइनस, एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। बाटा, वन प्लस एक्स ज्यों का त्यों, इस माइनस इसमें गुना करा दो, तो एक ले माइनस ले करेंगे माइनस एक, माइनस से और माइनस एक्स ले करेंगे तो प्लस एक्स, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, यहाँ पर ये माइनस एक प्लस एक कट गया, यानी टेन इनवर्स एक एक दो माइनस दो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाटा एक्स और एक्स टू एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स ये दो दो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो दो कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अब बाटा टू एक्स, ए टू टू खत्म, क्या बच गया, टेन इनवर्स वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाटा एक्स, ये आपका बच गया। अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स लाना है ना, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि जब रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, हम क्या पुट कर सकते हैं, माना एक्स बराबर क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा, जो कि आपको पर्सनालिटी 2.2 में पढ़ाए थे, हम एक्स बराबर क्या पुट कर लिए, साइन थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस रूट अंदर वन माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब आटा एक्स तो हो गया साइन थीटा। और एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए थीटा का मान निकालने की आवश्यकता पड़ जाए, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा जो दिया है, यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा थीटा का मान, ये है एक्स और ये साइन, तो साइन इधर आएगा ना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यानी थीटा का मान हम निकाल लिए, यदि आगे काम पड़ेगा तो वहाँ पर रख लेंगे, ओके। चलिए इसको हल करिए, तो ये हो गया टेन इनवर्स वन माइनस रूट अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, नीचे साइन थीटा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स
वन माइनस रूट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट हटेगा तो कॉस दो गो में से वो लिखा जाएगा, और बाटा साइन थीटा। इतना हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं। ओके, तो बिल्कुल इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे बनेगा ही बनेगा। आइए, क्या था क्या था, इसको पेज को रखो यहाँ पे, अच्छा रहेगा, इसको ऐसे कर लो, दिख रहा है? चलो, तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये सब फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है? फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे से बताना, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है? ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होता है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़िए, ए टू और ए टू खत्म। यहाँ पर दो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, एक तो ऊपर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर में साइन थीटा बाई टू है, नीचे कॉस थीटा बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या बच जाएगा, थीटा बाई टू। अब ये देखो थीटा आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, देखो हमने लाया था, देखो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है? चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अब बटा टू है। अब ये जो इक्वेशन है इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है? समीकरण क्या किया हमने, फर्स्ट मान लिया। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान देना। सबसे इजी तरीका है कि आप एक फार्मूला याद होगा आपको, आपको फार्मूला याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर लिख लो सूत्र से, एक अलग से सूत्र लगाना पड़ता है उसको प्रूव करने के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है, पाई बाई टू। तो यदि आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है पाई बाई, क्या हमें क्या प्रूव करना था, हाँ पाई बाई फोर में प्रूव करना था ना, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके ठीक है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम, आपका यहाँ साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब इस साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है हम क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, रखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो वन बाई टू पहले से है ही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ पहले, ये जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है? हम क्या करते हैं कि इसमें रख देते हैं, तो पहले से तो वन बाई टू है, ठीक है? और इस साइन इनवर्स एक्स बदले कितना है, इतना है ना, इसको रख देते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको गुना कर दो, एक से और पाई से पाई, टू से फोर, एक बटा दो से कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स, देखो तो प्रूफ हो गया, यही लाना था ना, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स लाना था, हमने क्या किया, ला दिया, कितना इजी है। तो थोड़ा सा इजी भी नहीं है, उतना हम नहीं कहेंगे कि इजी है सारे क्वेश्चन के जैसा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप लोग इसको जितना बार रिविजन करोगे ना, अच्छे से बनाओगे तो आपसे बनना जल्दबाजी में बन जाएगा। जैसे अभी मान लो हम 10 या 12 मिनट लगा दिए बनाने में, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, यदि हमें बनाना रहता तो हम इसे 4 मिनट में बना देते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, यदि रिवीजन करोगे तो आपसे 4 से 5 मिनट में बन जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है? चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स
एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस टू इजकल टू पाई बाई फोर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको करना होगा आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा ना, चलो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है पहले ध्यान देना, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस टू बराबर पाई बाई फोर, ठीक है। और हमें एक्स का मान निकालना है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे ना, देखना, यहाँ से इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है, और इसको वाई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला। तो फार्मूला पर बैठाते हैं, पता है ना, सबको पता है ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाटा वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये तो बात सबको पता है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स, एक्स का मान है एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है वाई ना, वाई का वैल्यू है एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस टू बटा वन माइनस एक्स, एक्स होता है ना, तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस टू इंटू वाई का है एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस टू अब बराबर पाई बाई फोर, ये आपका क्वेश्चन एक सवाल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव अच्छे से करेंगे। देखो इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, इसको भाग देंगे एक कट जाएगा ए बचेगा, इससे और इससे मल्टीपल कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस, इसको भाग देंगे एक कट जाएगा, इससे और इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ देखिए इसको भी करना बाकी है ना, तो बाटा कर लीजिए वन माइनस, इसको करेंगे एक्स माइनस वन से एक्स प्लस वन से, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अब बाटा, इसको मल्टीपल करेंगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स ऊपर ज्यों का त्यों लिख लो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अब बाटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, अब क्या करेंगे, कहाँ जाओगे, बैठो यहीं पर थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, हम भी चलेंगे, ओके। चलिए देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, एक और इतना कैल्शियम कितना होगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ओके। अब इसको भाग देंगे इतना बार में, इतना से और वन से करेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में एक्स और इतना से करेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ओके। अब यहाँ से देखो ए वाला और ए वाला कट गया, अभी बच गया, इसको क्या करेंगे आगे मल्टीपल करके बढ़ाएंगे। आइए तो इस पेज पर हम मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल लीजिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बराबर में पाई बाई फोर छोड़िए मत, ठीक है, बराबर में पाई बाई फोर छोड़ना नहीं है, ठीक है, गलती नहीं करना आप लोगों को। अब क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स, अब इसको मल्टीपल करो एक्स ले और एक्स ले मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ले और टू ले करेंगे ये हो जाएगा टू एक्स, माइनस वन से और एक्स ले करेंगे माइनस एक्स, माइनस वन से टू से करेंगे माइनस टू,
प्लस एक्स ले एक्स ले करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स ले माइनस टू एक्स ले करेंगे माइनस टू एक्स, एक से एक्स ले करेंगे एक्स, एक ले माइनस टू से करेंगे माइनस टू, बटा एक से एक्स ले करेंगे एक्स स्क्वायर, एक से टू से करेंगे टू एक्स, माइनस टू से एक्स ले करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू से फोर से करेंगे माइनस फोर, और माइनस, अच्छा एक बात इससे कोष्ट लगाना जरूरी है ठीक है ना, इसको कोष्ट में रखिएगा नहीं तो आप लोग मिस्टेक कर दोगे। बीच में माइनस है, माइनस एक्स ले एक्स ले एक्स स्क्वायर, एक्स ले वन से एक्स, माइनस वन से एक्स ले माइनस एक्स, माइनस वन से वन से माइनस वन, अब बराबर पाई बाई फोर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स, अब पहले इसको अच्छे से लिख दो, एक बार सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर और टू एक्स में से एक्स जाएगा, प्लस एक्स माइनस टू, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू में से एक जाएगा माइनस एक्स और माइनस टू, अब बाटा एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स खत्म, माइनस फोर हो गया, ये माइनस सब में गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस ले वन माइनस वन से प्लस वन, बराबर पाई बाई फोर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, जो कट रहा है कटाओ, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, और माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचा क्या टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस फोर, अब आटा नीचे क्या है माइनस फोर और प्लस वन कितना जाएगा माइनस थ्री, बराबर पाई बाई फोर। यहीं तक आप लोग बना लिए तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी है, मल्टीपल तो करना है सिर्फ, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अच्छा इम्प्लाइड एड का साइन देना भूल गए हैं आप, सॉरी जरूर देना है इम्प्लाइड एड का साइन, नहीं तो नंबर कट जाएंगे ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड एड का साइन देना जरूरी है। तो यहाँ से देखो जो टेन इनवर्स है इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा एंड टेन हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाटा माइनस थ्री बराबर टेन पाई बाई फोर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई माइनस थ्री बराबर टेन पाई बाई फोर पैंतालीस, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर माइनस तीन से और वन से करेंगे माइनस तीन, तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर ये माइनस चार इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस तीन प्लस चार, तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन प्लस चार कितना एक हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस गुना कर देगा तो भाग कर देगा एक बटा दो हो गया, अब देखो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा तो रूट एक बटा दो हो गया, और रूट जब आता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो यहाँ से एक्स बराबर एक का वर्गमूल तो एक हो गया, लेकिन रूट टू का तो नहीं होता है तो रूट टू ही रहेगा और प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा एक्स का ए वाला हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इतना होगा, आपको एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया था, हमारा प्लस माइनस वन बाई रूट टू आ गया। तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछ जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग अक्सर इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं किसी तरह। चलिए आज की क्लास इतना ही रहते हैं, अगले क्लास में शायद आप लोग का मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है पूरा रिवीजन कराएंगे आप लोग को मैट्रिक्स का, ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा उसको, कुछ पढ़ कर कहिएगा ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चन दें तो आप लोग से बन सके, डिमोटिवेट ना हो मोटिवेट ही रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एवरी डे अमर बैच को ज्वाइन करिए जो कि आप लोग को बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देते हैं ताकि आप लोग हर डे आएंगे तभी ना क्वेश्चन कर पाएंगे, आएंगे नहीं तो कैसे होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो एवरी डे आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि 8 पीएम पे हमें पढ़ना है, 30 से 35 मिनट तो पढ़ना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, एपिसोड 06 तक नहीं पढ़े तो पढ़ भी लीजिएगा, जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम।